बता दी। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ अप्रैल 2020 मेष राशि के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आपका ये महीना बहुत अच्छे से व्यतीत होगा एवं आपको आने वाले समय में बहुत सारे कामों में मदद मिलने वाली है। अप्रैल का महीना करियर के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ अच्छा दिखाई दे रहा है तथा आने वाले समय में करियर के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध कराता हुआ दिखाई देगा। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसा महीनों में अन्य महीनों में आपको उत्साह दिखाई देता है, वो इस महीने थोड़ा कम और बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं दिखाई देगा। आपका पारिवारिक जीवन महीने में पूर्वार्थ से अधिक अनुकूल रहने की नहीं रहेगा, इसलिए परिवार के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन उत्तरार्ध का काफ़ी समय अच्छा रहने वाला है। शुरू के कुछ दिनों में यानी 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक के बीच में परिवार के बीच में कुछ अनसुनी बातें हो सकती हैं, कहासुनी हो सकती है, तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अप्रैल महीने के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होगा दोस्तों, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेंगे। आपका प्रेम जीवन खुशमय बना रहेगा। शादीशुदा जातकों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनती भी दिखाई दे रही है, इसीलिए दोस्तों सारी खुशियाँ आपके अपने परिवार से होती हैं। परिवार में मिलकर खुशियाँ जब आती हैं तो आपके सभी प्रकार के कष्ट हट जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अप्रैल महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है, यानी मिला जुला परिणाम मिलेगा। कहीं पर फायदा होगा तो कहीं पर आपको नुकसान भी हो सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके लिए अच्छे धन का प्रतीत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन योग की प्राप्ति कराएंगे। सेहत के तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कमर और पैरों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा महीने के पूर्वार्ध में आपको जो कुछ मिलने की संभावना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी सी नींद कम आने की संभावना है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों आपको नींद का पूरा समय देना होगा। लेकिन जब महीने का अंत होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों की खुशियां देते हुए जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा एवं नींद की आ रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, चिंता का कारण भी दूर हो जाएगा और मेरे प्यारे मित्रों आपकी सभी प्रकार की कमी दूर होती भी नज़र आएगी। तो ये था आपका अप्रैल 2020 मेष राशि का मासिक वार्षिक फल। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई बातें अच्छी लगी हों तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।